Shanti Dilaye Shunam.
जीवन में शांति देता है, तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, फिर क्यों तुम इस जीवन में अशांत रहते हो, जीवन की निराशा में हो शांति दो, हालेलुया जीवन की निराशा में आशा देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, जीवन की अंधियारों में ज्योति देता है, हालेलुया जीवन जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, जीवन जीवन की राह में भटकते हो, जीवन की भटकते जो तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों इस जीवन में शांत रहते हो, तुम क्यों इस जीवन में अशांति रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो। मेरे जीवित और प्रेमी परमेश्वर खुदावंद यीशु, एक बार फिर से प्रभु हम हृदय से आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं हमारे शांति का राजकुमार प्रभु, हमारे हृदय को शांति से भरने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका तहे दिल से,
कि आपने सौभाग्य हमें दिया, इस समय हमें दिया परमेश्वर, कि हम आपके आराधना स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सके, आपके जैसे कार्य कर सके। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता, हम भरोसा करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहते हैं जहाँ आपके नाम से क्या दो लोग एकत्रित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। हाँ प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये हमारा भरोसा और विश्वास है प्रभु, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम दुआ करते हैं आगे के सारे समय को प्रभु आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, कि आप परमेश्वर हमें लीड करें, हमारी अगुवाई करें, ऐसे आपसे प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी। सारा आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, आगे के समय को हम फादर सुनील को देते हैं। आशा करता हूं आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? अभी लोडिंग हो रही, स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा लोडिंग हो रही, आप दिख रहे हैं? जी जी है, आप दिख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो आज हमारा जो विषय है वो है, आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं, आज का विषय है जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है उच्चतम बुलाहट के साथ बुलाए गए, उच्चतम बुलाहट के साथ बुलाए गए, उच्चतम बुलाहट के साथ बुलाए गए। हाँ ये हमारा विषय है और इसमें हम कुछ समय, थोड़ी समय कुछ सीखेंगे। जब हम उच्चतम बुलाहट के बारे में बातचीत करते हैं तो जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 3:1 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इस प्रकार से लिखा, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जो तुम जो स्वर्ग बुलाहट के भागी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उस पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो बुलाहट दी है, ये बुलाया है। और उदाहरण के लिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं आपके नाम लेकर के, आपको किसी मीटिंग में आमंत्रित करते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है, या आपके देश के जो प्रेसिडेंट है अगर आपको नाम लेकर के बुलाएं, आपको कितनी खुशी होती है। अगर आपका सीएम, आपके राज्य का जो मुख्यमंत्री आपको बुलाएं, तो हमें कितनी खुशी होती है। उससे भी बढ़ करके हमारा परमेश्वर, जिस पर आप हमें ईमान रखते हैं, जिस पर आप हमें विश्वास रखते हैं, उसने आपको नाम लेकर के बुलाया है और ताकि हम उस परमेश्वर को जान सकें और उसकी महिमा कर सकें और उसकी बहुत बड़ी योजनाएं हम हर एक के जीवन में हैं। हम भले अभी प्रभु में बढ़ ही रहे हैं या काफ़ी कुछ प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु की सेवा में हैं, आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, परमेश्वर की एक विशेष बुलाहट या उच्चतम बुलाहट उसने हमें दी है। और जो भी कार्य आप करते हैं, जिस जगह में भी आप हैं, परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है, वो आप अपनी बुलाहट समझे कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए, जिम्मेवारी के लिए रखा हुआ है। और वो जिम्मेवारी में परमेश्वर आपको चाहता है कि आप बढ़े, आगे बढ़े। और जो पहली बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, मसीह के साहसी गवाह बने। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, वो चाहता है कि उसके हम गवाही भी दें कि कैसे उसने आपके जीवन को बदला है, कैसे आपके जीवन में उसने कार्य किया है, कैसे आपके परिवार में उसने काम किया है। आप जरूर उस परमेश्वर के बारे में गवाही देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में दो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य हैं, जिनका नाम, एक का नाम पतरस, एक का नाम यहूना। और इन लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले
तो बड़ी साहस के साथ उन्होंने प्रभु इस मसीह की गवाही को दिया है। जब आप प्रेतों के काम 4 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर प्रभु इस मसीह का चेला पत्रस और यहुना बड़े साहस के साथ प्रभु इस मसीह की गवाही देते हैं। वहां पर एक घटना का वर्णन भी है, वहां पर एक घटना घटती है, वहां पर आप स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक लंगड़ा व्यक्ति वहां पर था और ये व्यक्ति काफी वर्षों से मंदिर के सामने भीख मांगता था, अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए भीख मांगा करता था। लेकिन परमेश्वर के जो शिष्य पत्रस और यहुना, उन्होंने इस व्यक्ति को वहां पर जब देखा, लंगड़े व्यक्ति को वहां पर देखा, भीख मांगते हुए देखा, तो उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी और कुछ वस्तु तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुझे हम आदेश देते हैं कि तू चल फिर। और वो व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ठीक हो जाता है, चंगा हो जाता है। और इस वजह से आसपास के वहां के जो याजक हुआ करते थे उस समय, महायाजक हुआ करते थे, उन्होंने जब इस घटना को देखा और बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनने लग गए थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए थे, तो लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने साहस के साथ बने रहे और अपनी जो विश्वास इनका था उस विश्वास से कमजोर नहीं हुए, लेकिन अपनी गवाही वो देते रहे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहे। तो संदेश आपके लिए मेरे लिए ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है ताकि उसका गवाह बने। परमेश्वर आज भी हमारे द्वारा भी काम करता है, चमत्कार करता है। कई बार जब बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो छुटकारा पाएंगे। और अगर किसी के परिवार में कोई समस्या है, परेशानी है, उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका समाधान करेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन आज भी परमेश्वर बदलता है। लेकिन आपको मुझे साहस के साथ, उत्साह के साथ, बोल्डनेस के साथ प्रभु की गवाही देना बहुत जरूरी है, जैसे इन प्रेरितों ने दी, प्रभु इस मसीह के चेला पत्रस ने, यहोना ने प्रभु की गवाही दी, बड़ी साहस के साथ दी, वो घबराए नहीं, डरे नहीं। और जब दूसरे स्क्रीन में आप देखने पा रहे हैं तो बहुत सारी भीड़ है जो उनको रोकने की उनको कोशिश की, उन्हें बताया गया कि तुम लोग जो है यीशु की गवाही मत दो, उसके बारे में मत बताओ, क्योंकि जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह गवाही देते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे, तो बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, यीशु के पीछे आते थे और बीमार चंगे भी हो जाते थे। तो इस वजह से वहां के जो लोग थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके अनुयायी जो है वो कम होते जा रहे थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन पत्रस और यहोना बड़ी उत्साह के साथ, साहस के साथ कहते हैं कि क्या हम परमेश्वर की गवाही ना दे, जिस परमेश्वर ने हमें ये साहस, यह पवित्र आत्मा हमें दिया है, जिस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर मौत से जिंदा हुआ है, क्या हम उसकी गवाही ना दें। और वो लोग बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ प्रभु की गवाही देते। तो आपको मुझे भी साहस के साथ परमेश्वर की गवाही देने की आवश्यकता है, बोल्डनेस के साथ प्रभु की गवाही देने। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है मृतों से जिंदा हुआ है और आज भी जिंदा है। और उस परमेश्वर के जब आप गवाही देते हैं, जो लोग परेशानी में है, जो मुश्किलों में है, उनको भी परमेश्वर आज भी छुटकारा देता है। तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, उत्साह के साथ गवाही उसके दे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि हम जो है उसके चराई की भेड़े हैं। यहाँ पर आप जब आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं भेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बकरियां देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक भेड़ जो है कंधे पर है, यहाँ पर बकरियां आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली हमारा चरवाहा है, और चरवाहा का एक गुण होता है कि वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है, उनका ख्याल करता है और उनकी चिंता रखता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा ख्याल करता है, हमारी चिंता करता है, जब दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं, जब कष्टों में होते हैं, वो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है,
इस बात को आप अपने मन में रखें, मन में विश्वास करें कि प्रभु हमारा चरवा हमारा ख्याल वो रखता है। लेकिन क्या आज आप में भीड़ है, भीड़ का स्वभाव हमारे अंदर है या बकरी का स्वभाव? बकरी का स्वभाव जो होता है वो एक्चुअली वो भागती रहती है, भटकती रहती है, लेकिन भीड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहें, तभी परमेश्वर हमारा जो चरवा है हमारा ख्याल रखेगा। बकरियों की तरह इधर कभी यहाँ भागें कभी वहाँ भागें, न यहाँ विश्वास है न वहाँ विश्वास है, तो भागने वाला नहीं, बकरी का स्वभाव नहीं, लेकिन भीड़ का स्वभाव रखें और नम्र स्वभाव रखें, दीन स्वभाव रखें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, अपने चरवाहे पर विश्वास रखें और वही आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि भेड़ों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वही किसी प्रकार की कोई उनको ये बात की कोई चिंता नहीं होती कि हमें कहाँ चरने के लिए जाना है, कहाँ पानी पीना है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन चरवाहे को चिंता है कि कहाँ हरी हरी चराई में उनको लेके जाना है। तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, इस बात का आप विश्वास करें। और जो मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ वो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। तो पुराने समय में आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं, याजक जो हुआ करते थे या महायाजक जो हुआ करते थे, साल भर में एक बार जो पवित्र स्थान है वहां पर बलिदान चढ़ाते थे, धूप चढ़ाते थे और बकरी का बलिदान करके उनका लहू यानी खून जो है चढ़ाते थे, ताकि लोगों के पापों को क्षमा मिले। जो विश्वासी लोग हैं या जो पाप करते थे, जो लोग उनके पापों की क्षमा के लिए ये जो याजक हुआ करते थे, उनके लिए साल में एक बार बकरी का बलिदान और धूपदान और प्रार्थना और उनकी क्षमा के लिए वो जाते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं बलिदान हमारे लिए हो गए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, क्रूस पे चढ़े, अपने शरीर से उनका लहू बहाया गया और उनके लहू के द्वारा आज आप हमें पूर्ण रूप से छुटकारा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें अब बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बकरी काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं हमारे लिए एक ही बार कुर्बान हो करके हमेशा हमेशा के लिए हमें उन्होंने उस पाप से छुटकारा दे दिया है। और अब आप और मैं उसके उपस्थिति में आकर के उसे प्रार्थना कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी मुश्किलों में हमारे संकट में वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे महायाजक हैं हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जो मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, लास्ट अंतिम बात ये है कि दूसरों को ना देखें पर मसीह का अनुसरण करें। कि जब आप यहूदा रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना का वर्णन है, 21 अध्याय में एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेले पत्रस के पास आते हैं और कहते हैं, हे पत्रस, या पत्रस सैमुन, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो कहता है, प्रभु आप जानते हैं। और ये घटना का वर्णन वहां पर है। और जब आप आगे जाते हैं तो पत्रस कहता है, लास्ट में कहता है, हे प्रभु, कि एक जो चेला जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार करता था, और प्रभु से पत्रस कहते हैं कि उसका क्या हाल होगा? तो प्रभु यीशु मसीह एक जवाब में उसको कहते हैं कि तुझे क्या चिंता है उसकी, कि उसका क्या हाल होगा, तू मेरे पीछे हो ले। कई बार आप में दूसरों की चिंता करते हैं, कई बार आप में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि